हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, बस एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है मोमो की रेसिपी। तो मोमो बनाने से पहले मैं मोमो की चटनी बना रही हूँ और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 लाल लाल टमाटर लिए हैं। तो जो मोमो की चटनी होती है वो तो आप सभी को पता ही होगा कि लाल लाल होती है, तो उसके लिए पके हुए टमाटर ही लेने चाहिए जो ज़्यादा पके हों, लाल लाल हो इस तरीके से। तो जो मेरे पास था उनमें से मैंने लाल लाल जो था वो सारा चुन लिया है और इसको धो लिया है। थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है और मोमो की चटनी के लिए लाल मिर्च बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फिर भी मैंने ज़्यादा ही लिया है। तो यहाँ पे लहसुन ले लिया है, थोड़ा सा अदरक ले लिया है और ये सब चटनी के लिए मैंने लिया है। तो अब हम टमाटर को थोड़ा सा उबाल लेंगे, पानी रख दिया है। जैसे ही उबाल आएगी पानी में ना, मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर को 2-3 मिनट तक पका लूंगी और उसी के साथ मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल दूंगी, जो मैंने सूखे हुए लाल मिर्च रखे हैं उसको भी मैं इसमें डाल के और 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो टमाटर उबल चुके हैं, अब बस 1 मिनट बाद मैं इसको इसमें से इस पानी में से निकाल लूंगी टमाटर को, और थोड़े से ठंडे हो जाए फिर इसके जो छिलके हैं, टमाटर के जो छिलके हैं उनको हमें उतार लेना है। तो टमाटर के छिलके उतार लेने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा कर लेने के बाद आपको इसकी चटनी बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैंने सारे टमाटर को डाल दिया है और जो लाल मिर्च है उसको भी डाल दूंगी, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, ये सब भी डाल दूंगी। और डाल लेने के बाद मैं इसमें लूँगी स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद थोड़ा सा मैं तेल लूँगी। तो यहाँ पे नमक ले लिया है, अब थोड़ा सा मैं तेल ले लूँगी इसमें और उसके बाद मैं एक छोटी चम्मच से आधी चम्मच में चीनी लूँगी और उसके बाद एक छोटी चम्मच से आधी चम्मच जीरा, ये है साबुत जीरा, तो ये भी मैंने आधी छोटी चम्मच ले लिया है। अब इनको हमें बिना पानी के पीस लेना है, तो यहाँ पे मैंने चटनी पीस लिया है। और अब जो मोमो की स्टफिंग होती है उसके लिए यहाँ पे मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, वैसे पत्ता गोभी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये एक पत्ता गोभी का 1 तिहाई है, मतलब 4 में 1 है, एक भाग है। उसके बाद एक शिमला मिर्च है, एक गाजर है, थोड़ा सा हरा धनिया है, प्याज है और हरी मिर्च है, हरा लहसुन है, थोड़ा सा साबुत लहसुन भी है, अदरक भी है। तो अब मैं इनको ना एकदम बारीक बारीक काट लूँगी, काटने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काटा हुआ जो होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, काटने से ये हो जाता है कि इसमें जो भी विटामिन्स होते हैं इसी के अंदर रह जाते हैं। थोड़े बहुत हम नमक डाल के जब निकालते हैं, इसका पानी निचोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत निकलता है, बाकी तो सारा इसी में रह जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको कद्दूकस करते हैं, घिसते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर की सारी प्रोटीन विटामिन सब निकल जाती है। तो इस तरीके से आप काट के बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काट के ही बनाना चाहिए। अब हाँ, ये बात है कि टाइम होना चाहिए इतना करने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और घिसने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन घिसने से होता है ना सब कुछ निकल ही जाता है समझिए। तो यहाँ पे मैंने बस इसको काट लिया है और आप देख सकते हैं एकदम बारीक बारीक मैंने काटा है इन सबको। और जो मिर्ची है इनको भी मैंने कूट लिया है, क्योंकि काटने से क्या होता है ना कि वो अगर ऐसे मुंह में पड़े तो बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, तो उसको कूट के इसमें मिक्स किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और लहसुन अदरक को भी मैंने कूट लिया है, बाकी सारे चीज़ जैसे धनिया हो गया, हरा लहसुन हो गया, उन सबको बस मैंने ऐसे ही रखा है। और गाजर है, गाजर को मैंने घिस लिया है, क्योंकि गाजर घिसने से उसका ज़्यादा रस नहीं वेस्ट होता है जो भी उसके अंदर होता है, तो गाजर को मैंने घिस लिया है। वैसे जल्दी में होती तो मैं इन सबको भी घिसती, लेकिन पत्ता गोभी हो या फिर शिमला मिर्च हो, इनको घिसने से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है,
तो काटना सही रहता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी कि इन सारी चीज़ों को रख दूँगी और रख के इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी और नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। तब तक मैं मोमो का जो आटा है वो तैयार करूँगी। तब तक क्या होगा कि इसके अंदर जो नमक है वो अच्छे से जाएगा और थोड़ा बहुत पानी जो है बाहर निकल आएगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, काटी हुई जो सब्जियाँ होती हैं उनसे बहुत कम पानी निकलता है नमक डालने के बाद, और जो हम कद्दूकस करके रखते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे इसका आटा बना रही हूँ मोमो का। तो मोमो के आटे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है मैदे का आटा, मतलब 2 कप, और मतलब आधा कप और लिया है, मतलब 2.5 कप मैंने यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर होता है वो मैं ले रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी ले लिया है, और इसको भी इसी तरीके से छान लेना है। वैसे इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसलिए छान रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे ये ऐसे भी मिक्स हो जाता, बस रखा हुआ था छलनी तो मैंने डाल दिया उसी में। तो बस इसको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा नमक हमें डालना है, और नमक डाल के इसको गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ इसको हमें गूंथ लेना है। तो पहले मैं आटे को और कॉर्नफ्लोर को और नमक को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ चम्मच से, और स्टार्टिंग में मैं इसको चम्मच से मिलाऊंगी क्योंकि पानी गर्म है। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको हाथ से अच्छे से आटे को मिक्स करूँगी और गूंथ लूँगी, अच्छे से गूंथना होता है। तो नमक और कॉर्नफ्लोर और आटा अच्छे से मिक्स कर लिया, आटा नहीं, मैदा, मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसको गूंथिए ताकि ये गीला ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डालना ही सही होता है। एक ही बार हम डाल देंगे तो हो सकता है ये गीला भी हो जाए। तो इसी तरीके से बस इसका सॉफ्ट एकदम से, मतलब पूरा टाइट भी नहीं पूरा सॉफ्ट भी नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे रोटी के लिए गूंथते ना वैसे ही आटा इसका गूंथ लेना है। और जब आटे को आप अच्छे से गूंद ले उसके बाद थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच इसमें रिफाइंड तेल डाल के आटे में अच्छे से उसको मिला के और इसको रख दे लगभग 10 मिनट के लिए आटे को। रिफाइंड तेल डालने के बाद इसको मैंने फिर से मिला लिया है, और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। और जो अब मैंने स्टफिंग के लिए सब्जी रखा है काट के उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए नमक डालने की वजह से पानी साइड में हो गया है, तो अब इसको हमें हल्का हल्का निचोड़ लेना। हल्का मतलब क्या, इसको निचोड़ ही लेना है अच्छे से, पूरा तरीके से पानी इसका नहीं निकालना है, वरना जो इसकी स्टफिंग बनेगी ना मोमो की वो बहुत ज़्यादा भूसा भूसा जैसा लगेगा। तो थोड़ा नमी रहेगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा मोमो का। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, और कपड़े से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े से नहीं निकालती क्योंकि कपड़े से पूरी तरीके से इसका जो है इसके अंदर का रस निकल जाता है, तो उतना नहीं निकालना है। बस आपको इतना निकालना है कि जो हम पूड़ी बनाएंगे ना मोमो का, मतलब जो रोटी बेलेंगे मोमो के लिए, वो बस गीला नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, 1 चम्मच मैंने चीनी डाला है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली विनेगर। चिली विनेगर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हम मैंने मिर्ची ज़्यादा नहीं डाला है, तो चिली विनेगर से थोड़ा सा इसमें टेस्ट आएगा तीखा तीखा वाला, और टेस्ट इसका। और आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल विनेगर जो होता है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने पानी मतलब उसका निकाला ना, तो थोड़ा सा नमक इसका कम पड़ जाता है, तो थोड़ा सा नमक लिया है। और उसके बाद यहाँ पे गार्लिक चीज़ जो होता है वो मैंने ले लिया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो कभी आप लोग ट्राई करिएगा ये वाला चीज़ डाल के इसके अंदर, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको अलग रख लेती हूँ। और जो आटा है उसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, तो पूड़ियों से भी ज़्यादा छोटी लोई बनानी होती है इसकी।
तो यहाँ पे मैंने लोई बना ली है और अब हम इसको बेल लेंगे। तो बेलने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा, और मैदा छिड़क छिड़क के इसको मैं बेल लूँगी। तो वैसे ये चिपकता नहीं है, पर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा रहता है तो इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से बेल लेना है इसको, और इसको बहुत पतला बेलना होता है। जो इसका किनारा किनारा है उसको तो बहुत ज़्यादा पतला करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है और मैं आपको बेलने के बाद दिखाऊंगी कि कितना पतला होना चाहिए। जितना ही इसको आप पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया मोमो बनेगा। तो बस इसको इस तरीके से देखिए, इतना पतला पतला इसको बेल लेना होता है। तो मैं इसी तरीके से सारा बेल बेल के रख लूँगी, उसके बाद मैं भर के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेल लिया है और अब मैं यहाँ पे आपको भर के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको बीच में रख लेना है, और मोमो में मोमो की स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा भरना होता है, तब तभी मोमो का जो है वो डिज़ाइन बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे 1-1.5 चम्मच लगा, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया है। तो बस इसको एक साइड से अप्लाई और दूसरी साइड से इस तरह से छोटा छोटा प्लेट लगा दीजिए। और ये बहुत आसान डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है, मोमो में सबसे ज़्यादा आसान ही डिज़ाइन है। इसको जिसको नहीं बनाने आता होगा ना, मोमो फोल्ड करने नहीं आता होगा, वो भी ये डिज़ाइन आसानी से कर लेगा। तो इससे पहले मैंने जब भी मोमो बनाया है तो मुझे गोल वाला डिज़ाइन भी आता है बनाने, और जो पीपल के पत्ते के शेप में होता है ना, पीपल के पत्ते टाइप का, मतलब पत्ते के शेप में होता है, वो भी मुझे आता था। पर इस टाइम पता नहीं क्यों वो दोनों डिज़ाइन नहीं, मैं भूल गई हूँ बनाना, एकदम ही नहीं आ रहा दिमाग में कैसे बनाना था, और इस बार ये सूझ रहा है। तो बस मैं यही बना रही हूँ, बाकी आप सभी को तो पता होगा, आप लोग वैसे ही बना लेना, जैसे है वैसे बना लेना। तो बस इस तरीके से इसको भर लेना है, और भर लेने के बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले ढेर सारा बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। तो मेरे पास मोमो बनाने के लिए मोमो वाला बर्तन नहीं है। मैं जब भी बनाती हूँ या तो मैं कढ़ाई में पानी रख के उसके ऊपर छलनी में बना लेती हूँ, या तो फिर जो इडली वाला बर्तन है, इडली वाले बर्तन में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इडली वाले बर्तन में ही बना के दिखाती हूँ आपको। तो स्टैंड ले लिया इडली का, अब इसमें मैंने तेल लगा लिया है, और तेल लगाने के बाद जो ये एक एक मोमो है और उनको बस इस तरीके से रख के, और पानी रख दिया, पानी गर्म हो चुका था, इसमें डाल के, और 20 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी। कम से कम इसको 20 मिनट तक तो पक्का पकाना होता है। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है, मैं इसको उतार लेती हूँ। तो मोमो बहुत बढ़िया बना था, मैं खुद से खुद की तारीफ कर रही हूँ। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको शेप उतना बढ़िया नहीं दिख रहा होगा मोमो का, लेकिन इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया था, और जो सॉफ्टनेस होता है ना वो भी बहुत बढ़िया था। मोमो बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत बढ़िया बना था। बस मुझे शेप अच्छे से नहीं बनाने आया, डिजाइन मतलब मोमो का। तो चलिए आप सभी को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जैसे जैसे मैंने बनाया है ना बस वैसे आप लोग भी बना के देखिएगा, वही सब कुछ डाल के देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए चटनी और मोमो तैयार है, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था ना कि मैं इसको दबा रही थी फिर से ये अपने शेप में आ जा रहा था, दबा रही थी फिर से आ जा रहा था, और बहुत सॉफ्ट था। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी आप सभी को, मैंने तोड़ के नहीं दिखाया था, वो बाद में मेरे ध्यान में आया कि मेरे को तोड़ के दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया बना था, बस ये जो शेप है ना, शेप मुझे अच्छे से देने नहीं आया था मोमो का, मैं भूल गई थी। वैसे इससे पहले मैं खुद ही बनाती थी पर इस टाइम मैं भूल गई थी। तो चलिए आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने शूट किया है सारा कुछ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।